यहाँ से राइट क्लिक करके लॉक कर लेता हूँ। ठीक है, अब कोई भी, अब एक, अब कोई भी एक लीफ बना लो आप, जूम को प्रेस करके कोई भी एक लीफ बना लो आप। यहाँ से आप ले लो बिजियर टूल, ठीक है। बिजी टूल से आपने इनके एरियाज़ पे आपने क्लिक कर देना जहाँ जहाँ ये बना हुआ है। मैं जूम से और जूम कर लेता हूँ, और बिजियर से आप इसको एक साइड से ट्रेस करना शुरू कर दो आप। ये बिजी, यहाँ क्लिक करो, फिर आपने जस्ट डॉट्स लगाते जाना आपने लेफ्ट क्लिक्स के साथ। इसमें वो इलस्ट्रेटर की तरह साथ साथ नहीं करते, इसमें बाद में करना पड़ता है। अब आप इस सारे को, सारे आपके वो शेप्स हैं कर्व में, इन सब को सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व कर दो पहले। अब आप क्या करो कि सेलेक्ट करके एक साइड वाला जो है ना एरिया, ये डॉट्स, इनको शिफ्ट के साथ आप सेलेक्ट करते जाओ आप, और फिर आपने इनको कर देना है माइनस। अब इसको क्लिक करो, ये आपके पास हैंडल आ गया। यहाँ से आपने ये रखा इधर, और यहाँ से आपने ये रख दिया, ठीक हो गया। सब दूसरी साइड ले लो, दिस वन एंड दिस वन, और आपने कर दिया इसको कन्वर्ट टू कर्व करके माइनस कर दिया इसको। अब यहाँ क्लिक करो, यहाँ से आप इस साइड पर लेके जाओगे, और यहाँ से इसको यूँ लेके जाओगे ऐसे। फिर सिलेक्शन लो इसको, और यहीं से सिलेक्ट करके ये देखो क्लिक करके आपने ऐसे ही ड्रैग करना है इसको, तो ऑटोमेटिकली आपको लाइन्स पे आ जाएगा। ये किस्म का आपका ये ऑब्जेक्ट बन गया, आपका ट्रेस हो गया। हाँ, अब इसका आपने चलाना है ग्रेडियंट। अब इसको सेलेक्ट करके F11 से आपके पास ग्रेडियंट आ गया उसका। अब आपके पास डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, आपने पहले डार्क को लेना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और कलर कौन सा लेना है यहाँ से नहीं चूज़ करना, ये ड्रॉपर लेना आपने, रन टाइम पर ड्रॉपर दे रहा आपको, आपको डार्क एरिया ये चाहिए, और लाइट एरिया उसमें आपको चाहिए ये लाइट कलर, ठीक हो गया। अब ग्रेडियंट को आप बेशक रोटेट कर लो, जिस साइड पे भी आपको चाहिए, इस साइड पे चाहिए डार्क, बिट से ज़्यादा कर लो, जी हाँ जी। ओके कर दिया आपने, और इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर आउटर ख़त्म कर दिया आपने। इसके ऊपर ना क्रॉस पे राइट क्लिक करके कलर ख़त्म हो जाता है। अब ये मुझे अंदर वाले चाहिए वाले, ठीक है। फिर आप ले लो बिजियर, अब आपने यहाँ से पहले ये यहाँ क्लिक किया, क्लिक, और दूसरा क्लिक ये है, और तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा ये आपको। सारे को सेलेक्ट करो कन्वर्ट टू कर्व, और एक साइड वाले को आपने यहाँ से डॉट को क्लिक किया और माइनस कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करो, इस डॉट को, इसको पकड़ के आपने ये लाइन रखी है इधर, ये लाइन आपकी इधर आ गई, तो इसको सेलेक्ट करके माइनस, ये आपकी दूसरी लाइन आ गई आपकी,
दिस वन, जूम प्रेस कर लो, इसको बेशक कर्व करना है, कर लो, नहीं करना वैसे रहने दो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने इस पर वाइट कलर करके ना आउटलाइन ख़त्म कर दीजिए, इसी को उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब एक आपके समझ में आ गई ना, बाकी समझ में आ गई, इसको हमने यहाँ रखा फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इसको हमने ट्रांसपेरेंट करना है, हमने इसको ये देखो ट्रांसपेरेंट के लिए मेरे पास एक कमांड है, इसमें इसकी मैं वैसे कॉपी करके रख लेता हूँ मैं, या मैंने कोई भी कॉपी कर ली, इसको सेलेक्ट कर लो, इसकी थोड़ी सी शेप ख़राब है, ओके करके हल्का सा यहाँ से यूँ ले जाओ नीचे, अब ठीक हो गया। और इस डॉट को उठा के थोड़ा सा इधर ले जाओ तो सेंट्रलाइज आ जाए। अब सेलेक्ट करो, आपके पास आगे हम टूल हमने करने हैं हमारे इंटरेक्टिव टूल्स, इसके अंदर हमारे पास एक टूल आता है, यहाँ से भी कर सकते हैं, इससे नीचे, इसके नीचे ये हमारे पास आ रहा है ट्रांसपेरेंसी टूल, इसको क्लिक करो। वो कह रहा है कितने परसेंट ट्रांसपेरेंट करना है, यूनिफॉर्म करना है कि नन करना है कि ग्रेडियंट देना है, हमने करना है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में अब हमें उसकी रेशियो दे रहा है कितने परसेंट करना है, अगर हम 27 करेंगे तो डार्क हो जाएगा, और करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। यूनिफॉर्म मीन के हर जगह से एक जैसा, हर जगह से एक जैसा, ये हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी टूल, पार्शियली रिवील इमेज एरियाज अंडरनीथ द ऑब्जेक्ट। पूरे पूरे को, पूरे को, पूरे को ऑब्जेक्ट को, पूरा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट करेगा, बजाय कि उसके पार्शियली नहीं करेगा उसको। यहाँ से आपने करना सेलेक्ट यूनिफॉर्म, मैंने आपको ऑब्जेक्ट देखते साथ बता दिया था कि ये ट्रांसपेरेंसी से होना है, ऑब्जेक्ट को ना डिज़ाइन को देखते साथ आपको जहन में कमांड सर्कल करनी चाहिए कि ये किससे होगा, उससे टाइम से हो जाता है। अच्छा ये हो गया, अब आपके पास दूसरी जो रूट्स है ये वाली, तो उनको भी ऐसे ही आप ट्रेस करोगे, आपके पास बिजी टूल है, ठीक है, इनको अब इस पर एक ही बन गया, दूसरा भी बन जाएगा, वैसे आप यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो और यहाँ क्लिक कर दो, सेकंड क्लिक ये की है, फोर्थ ये आ गया आपके पास, शेप टूल के साथ सबको सेलेक्ट करो, कन्वर्ट टू कर्व, और इस पहले वाले को सेलेक्ट करके आपने कर दिया माइनस, और इसको भी क्लिक करके आपने कर दिया माइनस। अब ये जो टूल है इसको हमने रखा है यहाँ पर, कलर भी शक दे के देख लो ताकि आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ से शेप ख़राब है इसकी, शेप में जाओ, दिस वन, ठीक है, उसी तरह इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी परसेंट रखी है हमने, 68%, 70 कर दो आप राउंड फिगर, इसको भी सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करें ट्रांसपेरेंसी यूनिफॉर्म 70,
येलो, इनको पहले कॉपी कर लो, बाद में साइज वगैरह छोटा कर लेना आप। उसका एंगल थोड़ा सा टेढ़ा है उसका ना। बल्कि वो डिफरेंट ही बनेगा इससे। इसको कॉपी करके नीचे रख लो। मैं सेम नहीं कर रहा, सेम तो नया बनाना पड़ जाना। इस सारे को सेलेक्ट करके ये मैंने यहाँ रख दिया और ग्रुप कर दिया। अब जस्ट आप सेलेक्ट करते जाओ और कलर चेंज करते जाओ आप। मसलन इसको उठा के मैंने रखा है इस तरफ, ये अब एक मैं यहाँ रख के इसको ग्रुप करता हूँ और इसको मैंने फ्लिप कर देता हूँ। ये मैंने साइज छोटा किया, दोबारा सेलेक्ट करके अनग्रुप करो, फिर इसको सेलेक्ट करो, ये ग्रेडियंट आ रहा है, इस पर डबल क्लिक कर दो आप। अब जो कलर आपके पास डार्क आ रहा है ना, इसको सेलेक्ट करो, ग्रेडियंट में जाओ, पेन टूल ले लो और इसमें आप ये कलर सेलेक्ट कर लो। ये भी डार्क है कलर, प्रॉपर से यहाँ से डार्क सेलेक्ट कर, लाइट पे आ जाओ। कौन सा लाइट? ये वाला, फिर ये लाइट, ओके। समझ तो नहीं आई, सेलेक्ट करके इसको यहाँ रख लो, साइज और छोटा कर दो। अब इसको सेलेक्ट करो, डबल क्लिक, अब आपका पिंक वाला आ जाएगा। डार्क सेलेक्शन, प्रॉपर डार्क पिंक, ये ले लो डार्क पिंक, ठीक है। और लाइट पिंक ले लो। सर जी देखिए, जो आप ग्रेडियंट बना रहे हैं उसमें एकदम से डार्क से लाइट में हो गया और वो लाइन बीच में शो कर रहा है, तो इसको फर्दर ट्रांसलूशन करने के लिए क्या करते हैं? मसलन मतलब आपने ग्रेडियंट बनाया ना, तो वो डार्क से एकदम से लाइट में शिफ्ट हो गया और लाइन उसमें लाइन सी शो हो रही है। वो लाइन तो कर रहा है ना, वो आपको पार्श उसका डिवीजन दे रहा है उसकी। तो इसको फर्दर के लिए ब्लेंडिंग करने के लिए क्या करना चाहिए? मसलन क्या करना है इसका अपने? मतलब दो कलर्स आपस में ब्लेंड हो रहे हैं इसमें, हाँ हाँ लेकिन वो अब जो डार्क पिंक है वो उसमें एक लाइन बन रही है। अब वो बिल्कुल ब्लेंड हो रही है ना लाइन को, डेफिनेटली डेफिनेटली हो जाएगा बाकी। इसको लेदा कर लेते हैं।